कई कई बार लोग ये भी मजाक बनाते थे, देखो ये यूट्यूबर, ये लंगड़ा यूट्यूबर, मैं अंदर से हार चुका था, टूट चुका था कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। उस समय मेरे दिमाग में एक बात आई कि सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के पर, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है। जो हमें दिखाई देता है अक्सर उसका उल्टा होता है, वही चीज यहाँ पर है। कामयाब होने के लिए सिर्फ हाथ पैरों की नहीं, हौसलों की भी जरूरत पड़ती है। मैं दुनिया को बताना चाहता था कि बेशक मैं विकलांग हूँ, लेकिन जितना बड़ा तुम्हारा सपना होगा ना, उतनी बड़ी तुम्हारी मेहनत होगी, और जितनी बार तुम जिंदगी में फेल होगे ना, उतनी ही बड़ी तुम्हें कामयाबी मिलेगी। इसलिए कभी अपनी मेहनत से भागो मत। दुनिया का क्या है, दुनिया तो बनी आपको पीछे खींचने के लिए, पर अगर आपकी मेहनत आपके साथ है ना, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपको पीछे नहीं खींच सकती। आप हर हालात में आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे, ऐसे ही जैसे मैं आगे बढ़ा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजयराज प्रजापति है और मैं गुजरात के अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। आज मैं एक यूट्यूबर, डिजिटल मार्केटर एंड एंटरप्रेन्योर हूँ, पर यहाँ तक पहुँचना मेरे लिए कभी आसान नहीं था। लोग सपने देखते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के, भागने के, अपनी मंजिल को छू जाने के, लेकिन मैं तो अपने पैरों पर ढंग से चल भी नहीं पाता। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने एक पैर पर ढंग से नहीं चल पाता। आप सीढ़ियाँ चढ़ पाते हो, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाता, ढंग से नहीं चल पाता, और तो और मुझे उठने बैठने के लिए भी सहारे की जरूरत होती है। इन सब के बावजूद भी मैं यहां खड़ा हूं। कैसे खड़ा हूँ, क्यों खड़ा हूँ, यही बताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। ये नहीं कि कल मेरा एक्सीडेंट हो गया हो और आज से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई हो। पिछले 20 सालों से मेरा यही हाल है। अपनी इस विकलांगता के कारण मुझे बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। लोग कहते थे ये तो लंगड़ा है, ये क्या कर लेगा, एक काम करो, एक दुकान खुलवा दो या छोटा मोटा काम सिखा दो जिससे चार पैसे कमा पाएगा। पर मेरा एक सपना था कि इस दुनिया को मैं बता दूं कि कामयाब होने के लिए सिर्फ हाथ पैरों नहीं, हौसलों की भी जरूरत पड़ती है। मैं दुनिया को बताना चाहता था कि बेशक मैं विकलांग हूं, लेकिन मेरे सपनों में भी उतनी ही जान है जितनी एक आम इंसान के सपनों में होती है। पर दिक्कत यह थी कि यह मैं लोगों को बताता कैसे है। लोग मेरा इतना मजाक बनाते थे कि मेरे पैर की प्रॉब्लम की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई को छोड़नी पड़ी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 10th क्लास के बाद कभी भी स्कूल नहीं गया। सोचा कम से कम डिप्लोमा कर लूँ, एडमिशन भी लिया, पर कॉलेज की एक एक सीढ़ियाँ मेरे सपनों से ज़्यादा बड़ी थी जिस पर मैं चढ़ नहीं पाता था। बहुत कोशिश करी कि किसी न किसी तरह से डिप्लोमा तो कंप्लीट कर लूँ, पर जब जब सीढ़ियाँ चढ़ता था लोग मुझे देखकर मजाक बनाते थे, हंसते थे मुझे देखकर। एक वक्त अगर कोई आपका मजाक बनाए तो आप सह सकते हो, लेकिन हर दिन कोई आपके शरीर का मजाक बनाए तो आप सह नहीं सकते। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। लोगों का मजाक मेरे पढ़ाई पर हावी हो गया और मैंने अपना कॉलेज बीच में से ही छोड़ दिया था। अब मेरे पास क्या था, एक टांग जिससे मैं चल नहीं पाता था, और 10th के नाम पर वो डिग्री जिसके सहारे आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। लोगों ने ताने मारे कि अब तू क्या करेगा, अब तू कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि बिना पढ़ाई लिखाई के इंसान जीवन में कभी सफल नहीं हो पाता। लेकिन मेरे मन में था कि एक दिन इनको जवाब जरूर दूंगा, एक दिन अपने काम से इन लोगों का मुंह जरूर बंद करूंगा। लेकिन कैसे, ये अब भी मुझे नहीं पता था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी चीज को अगर दिल से फील कर लिया जाए तो पूरी कायनात उसे मिलवा देती है, और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो मैंने सबसे पहले ये देखना स्टार्ट किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। जॉब तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि जॉब करने के लिए रोज आना जाना होता है, लेकिन मेरी तकलीफ ही कुछ ऐसी थी कि मैं रोज आ जा नहीं सकता था। दूसरी चीज मैंने देखना शुरू करी कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अच्छा बोल लेता हूँ, मेरे पास दिमाग है, पर डिग्री के नाम पर 10th का सर्टिफिकेट, एक 10th पास लड़का क्या कर सकता है, ये ढूंढने के लिए गूगल और यूट्यूब का सहारा लिया। जहां मैंने सर्च करके देखा तो मेरे सामने एक वीडियो आई, उसमें लिखा था कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाएं। जब मैंने उस वीडियो को देखा तो मैं सोचने लगा कि वीडियो बनाना तो बड़े लोगों का काम है, मैं कैसे वीडियो बना सकता हूँ। पर मैंने उसमें एक चीज़ देखी, वो सारे के सारे वीडियो हिंदी में थे। पहले पता मुझे लगता था कि वीडियो बनाने के लिए काफ़ी पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, काफ़ी पैसा चाहिए, पर यहाँ सब मैं कुछ उल्टा ही देख रहा था। यहाँ मैं देख रहा था कि वो लड़का सामने बैठ कर ये सिखा रहा है कि आप बिना पैसे के भी वीडियो बना सकते हैं। मैंने कहा यही काम तो मुझे आता है, लोगों को समझाना। मैं बचपन से
वही तो कर रहा था, लोगों को कह रहा था, लोगों को समझा रहा था, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मुझे लंगड़ा मत बोलो, लेकिन अगर मुझे सब करना है तो मैं वीडियो पर आकर बता सकता हूँ, वीडियो बनाकर मैं लोगों को सिखा सकता हूँ। लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसके लिए पूरी प्लानिंग की जरूरत होती है, आपको पता होना चाहिए कि वीडियो कैसे अपलोड होते हैं, वीडियो कैसे बनते हैं, टैग होते क्या हैं। और मुझे तो कुछ पता नहीं था, बस मुझे तो इतना पता था कि मुझे उन लोगों के मुंह बंद करने हैं। पता तो ये था कि मेरे अंदर जोश है और मैंने कई सारे वीडियोस देखना शुरू किए और प्लानिंग करना शुरू की। और मैं ही बात में आप सबको बोलना चाहता हूँ कि किसी भी काम में अगर आगे बढ़ना है, कोई भी काम अगर शुरू करना है, तो आपको उस काम की जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके ऊपर प्लानिंग कर लेनी चाहिए और सीख लेना चाहिए कि आगे आपको क्या परेशानी आ सकती है। और अगर आपने पहले से अगर तैयारी कर ली होगी तो आपने अपनी लाइफ का सबसे पहला पड़ाव पूरा कर लिया है। देखो होता क्या है ना, अगर कोई लड़ाई शुरू होने वाली है तो देश उसके लिए सालों से तैयारी करता है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि कल लड़ाई होने वाली हो और आज वो तैयारी करें, ऐसे ही जिंदगी का हाल है। आपको आने वाले हर दिन के लिए पहले से ही तैयार रहना होता है। ऐसा ही मैंने कुछ किया, YouTube और Google पर दुनिया भर की चीज़ें देखने के बाद, ढूंढने के बाद मैंने 2015 में पहला वीडियो अपलोड किया। आप जानते हो पहला वीडियो अपलोड किया तो उस पर कितने व्यूज़ आए, 11 व्यूज़ और 14 अनलाइक। जी हाँ दोस्तों, 11 व्यूज़ और 14 अनलाइक। मैं सोचने लगा कि ये क्या हो गया, मैं YouTube पर क्या सोच के आया था कि अगर अजय जैसा लड़का हैंडीकैप होने के बाद भी काम कर सकता है, मेहनत कर सकता है, तो दुनिया का कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है, काम कर सकता है। लेकिन यहाँ तो पूरा उल्टा था, यहाँ तो व्यूज़ की जगह अनलाइक आ रहे हैं। इसका मतलब ये था कि यहाँ भी लोग मुझे सुनना पसंद नहीं करते। उस समय मेरे दिमाग में एक बात आई कि सिर्फ सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के पर, मंजिल पाने के लिए चलना भी पड़ता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं और तरीके से बारीकी से समझने लगा, एनालिटिक्स को समझने की तैयारी की, समझने लगा कि ये कैसे काम करता है। और जब मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया तो फिर मैंने निराश होना छोड़ दिया और मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहा। और देखो होता क्या कि जब हम कभी देखते हैं जो हमें दिखाई देता है, अक्सर उसका उल्टा होता है। वही चीज यहां पर है कि बेशक हमें अनलाइक मिल रहे हैं लेकिन एंगेजमेंट तो बढ़ रही है। फिर मैंने काम नहीं छोड़ा, मैं काम करता रहा। और आज भी मुझे याद है कि मेरे चैनल पर 35 वीडियो थे और 12 सब्सक्राइबर थे, और उन 12 सब्सक्राइबर में से 2 चैनल से मैंने खुद ही अपनी चैनल से सब्सक्राइब करके रखा हुआ था। कई कई बार लोग ये भी मजाक बनाते थे, देखो ये यूट्यूबर, ये लंगड़ा यूट्यूबर, लेकिन मैं लगातार लगा रहा, रुका नहीं। और 2016 में मेरे चैनल पर 5000 सब्सक्राइबर हो गए तो मुझे लगने लगा कि हाँ मेरा सपना पूरा हो चुका है, अब मैं कामयाब हो चुका हूँ। मेरी YouTube से अच्छी खासी पहचान बनने लगी है, लोग मुझे जानने लगे, YouTube वाले मुझे बुलाने लगे हैं। और जैसे ही मेरी YouTube चैनल मोनेटाइज हो गई तो मुझे विश्वास हो गया कि अब मैं कामयाब हो चुका हूँ, अब मैं YouTube से पैसे कमाने लगूंगा। लेकिन तकलीफों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी चैनल का मोनेटाइजेशन कर दिया डिसेबल। तो मैं हताश हो गया, मैं बहुत दुखी हो गया कि ये कैसे हो गया। लेकिन मेरे अंदर एक जोश था कि अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो उन सारे लोग मेरा मजाक बनाएंगे, इसीलिए मैंने एक और दूसरी चैनल स्टार्ट की, उस पर भी मैंने काम किया। और एक साल काम करने के बाद मैंने चैनल को मोनेटाइज किया और वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर मेरी चैनल डिसेबल्ड हो गई। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, क्योंकि ये दुख पहले दुख से कई ज़्यादा था, क्योंकि मेरी 2 साल की मेहनत बर्बाद हो गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर जोश था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, तो मैंने तीसरी चैनल भी खड़ी करी, तीसरी चैनल भी बनाई और 1 साल उस पर भी काम किया। जब मेरी चैनल मोनेटाइज हो गई तो वो भी चैनल 24 घंटे के अंदर अंदर डिसेबल्ड हो गई। दोस्तों मैं बहुत हताश हो गया था, मैं बहुत रोया था कि मेरी 3 साल की मेहनत बर्बाद हो गई है। मैं अंदर से हार चुका था, टूट चुका था कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जो मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे 3-3 चैनल बंद हो गए। मैंने सोच लिया था कि अब मैं YouTube को छोड़ दूंगा, लेकिन कहते हैं ना कि अगर किसी भी चीज को दिल से मांग लिया जाए या दिल से सोच लिया जाए या दिल से फील कर लिया जाए तो कोई सुने या ना सुने, लेकिन ऊपर वाला जरूर सुनता है। ऐसे ही मेरे लाइफ में एक मनोज भाई नाम के यूट्यूबर आए, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे टेक्निकल चीजें सिखाई, जिसकी वजह से मेरी तीसरी चैनल कामयाब हो गई। दोस्तों इन 3 साल की जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैंने इन 3 सालों में बहुत कुछ देखा, मैंने बहुत कुछ दुख दर्द देखे, लेकिन मैं रुका नहीं, करता गया। लोगों ने गालियां भी दी, लोगों ने
ताने भी मारे, लंगड़ा भी कहा, बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं रुका नहीं, बस करता गया। और करते करते मेरी पहचान भी अच्छी बनने लगी, लोग मुझे जानने लगे। जब लोग मुझे सुनते हैं तो बोलते हैं कि तुमने अगर 3 बार हार मानकर भी हार नहीं मानी तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानूंगा। लोगों ने गालियाँ भी दी, ताने भी मारे, लेकिन मैं रुका नहीं, करता गया। और करते करते आज जो स्टॉक्स के मंच पर पहुँच गया। और आज मैं यहीं से आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि इंसान विकलांग शरीर से नहीं होता है, मन से विकलांग होता है। अगर मन से विकलांग हो गया तो हमेशा के लिए विकलांग हो गया। दोस्तों ज़िंदगी में अगर परेशानी आ रही है, ठोकर लग रही है, तो समझ लो ज़िंदगी आपको बहुत बड़ी कामयाबी देने वाली है। बस ये सोच समझ के मत छोड़ देना कि मुझसे होगा नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मैं कोशिश करना ज़रूरी है। दोस्तों इन 3 साल की जर्नी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ कि अगर कभी भी ठोकर लग रही हो या कभी भी आपको परेशानी आ रही हो तो आपको रुकना नहीं चाहिए, काम करना चाहिए। ये सोचकर काम करना चाहिए कि अगर अजय राज प्रजापति ने 3 बार चैनल डिसेबल्ड होने के बाद भी अगर हार नहीं मानी तो इस दुनिया का कोई भी इंसान कामयाब हो सकता है। इसीलिए आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और अपने सपनों को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहना चाहिए। देखो दोस्तों, दुनिया आपके सपनों को तोड़ सकती है, आपके हिम्मत को तोड़ सकती है, लेकिन अगर आपके ऊपर आपको खुद को विश्वास होगा ना, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत आपके हौसले को, आपके हिम्मत को कभी नहीं तोड़ सकती। इसलिए अपने हौसले को ऐसे ही बढ़ाए रखना और जिंदगी में आगे कामयाब बनते रहना। जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।